दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज क्लिक के कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। और इस वक्त फिर एक राज्यपाल इन दिनों चर्चा में है। चर्चा में क्या कहिएगा, विवादों में है। और कई बार विवाद इतने बदसूरत हो जाते हैं, इतने हास्यास्पद हो जाते हैं, विरूप हो जाते हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती है। अब जो व्यक्ति राज्य का एक मुख्यमंत्री रह चुका हो, जो फिर राज्यपाल बना हो, शपथ कई बार ले चुका हो संवैधानिक मर्यादा के पदों पर, जो संविधान के पद हैं, संवैधानिक पद हैं, और वह व्यक्ति भी अगर ये कहे कि क्या आप सेकुलर हो गए हैं और अपने मुख्यमंत्री से कहे, तो आश्चर्यजनक है। इसलिए नहीं आश्चर्यजनक है कि वो भारतीय जनता पार्टी का या संघ का कभी सदस्य रहा है या प्रचारक रहा है या नेता रहा है, बल्कि इसलिए कि वो चाहे जो भी रहा हो, आज की तारीख में वो राज्यपाल है। और राज्यपाल किसी पार्टी का सक्रिय सदस्य नहीं रह जाता। जब वो राज्यपाल पद की शपथ लेता है तो वह इस बात के लिए बाध्य होता है कि वो भारत के संविधान के तहत काम करेगा, और संविधान के तहत काम ही नहीं करेगा, भारत के संविधान के मुताबिक वो संविधान की अपने राज्य में उसका संरक्षण भी करेगा, उसकी रक्षा भी करेगा, उसके एक एक प्रावधानों का, ये काम है राज्यपाल का। लेकिन भगत सिंह कोश्यारी साहब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे और अब महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जो एक चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी बड़े सामान्य सी बात थी, वो टेलीफोन भी कर सकते थे, और अगर चिट्ठी लिखी तो उसको सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था। और चिट्ठी लिखने का ये लहजा, ये भाषा, ये सोच आखिर राजभवन से कैसे निकल सकती है? आश्चर्यजनक है कि राजभवन में जो पदस्थापित ऑफिशियल्स हैं, आखिर उन्होंने एक राज्यपाल को इस तरह का खत लिखने ही कैसे दिया, क्यों नहीं उन्होंने समझाया, ये भी एक अचरज की बात है। उन्होंने क्या चिट्ठी लिखी, हम किसी विश्लेषण में जाने से पहले, हम पहले राज्यपाल और उद्धव ठाकरे के बीच में जो संवाद हुआ है उसका बहुत संक्षेप में एक एक उसका अंश आपको सुनाते हैं। राज्यपाल महोदय ने प्रदेश में, उनकी चिंता यह है कि मॉल खुल गए, बाजार खुल गया, हल्का फुल्का, समुद्र तट तक खुल गए, लेकिन भगवान के जो द्वार है वो नहीं खुले, देवी देवताओं के मंदिर नहीं खुले। जबकि वहां पर सिर्फ मंदिर की बात नहीं, सारे उपासना स्थलों पर इस वक्त तक प्रतिबंध है कि वो उस तरह से नहीं खुलेंगे जैसे वो पहले सार्वजनिक तौर पे खुले रहते थे। तो उनकी ये चिंता इस समय है, उनकी चिंता अपने देश, अपने प्रदेश के लोगों के जानमाल की सुरक्षा की नहीं है, उनकी चिंता है कि जल्दी से जल्दी मंदिर खुलें। और वो क्या कहते हैं, आप यानी मुख्यमंत्री, आप हिंदुत्व के एक मजबूत स्तंभ रहे हैं, अब आप सेकुलर हो गए हैं क्या? पहले तो इस शब्द से आप नफरत करते थे। मंदिर खोलने के बारे में लिखा गया राज्यपाल का सीएम को ये खत आश्चर्यजनक है। आप सेकुलर हो गए हैं क्या? क्या भारत का संविधान सेकुलर नहीं है? क्या भारत के संविधान के शुरुआती अंश को ही उन्होंने नहीं पढ़ा है? मैं हिंदी में पढ़ के एक वाक्य सुनाता हूं जो शुरुआत होता है जहां भारत के संविधान का, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस तरह से शुरू होता है। अंग्रेजी में फिर शुरू करते हैं वही लाइन, वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो जिस संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी भगत सिंह कोश्यारी जी पर है, उस संविधान के प्रियम्बुल यानी उद्देशिका का वह पहला वाक्य ही वो निगेट कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं और उसके प्रति चिढ़ जाहिर कर रहे हैं। चिढ़, कमाल की बात है। तो ये भगत सिंह कोश्यारी साहब ने जो किया है, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की रिजीम में नियुक्त किए गए जितने भी राज्यपाल हैं, एक से बढ़कर एक हैं, लेकिन ये जो नमूना है ये विचित्र है, हास्यास्पद है, अफसोसनाक है। और दोस्तों, हम जब आपसे बात कर रहे हैं और भगत सिंह कोश्यारी साहब जो राज्यपाल हैं उनके खत को लेकर और उद्धव ठाकरे के जवाब को लेकर ये चर्चा कर रहे हैं, तो उस वक्त अपने देश में, पूरे देश में कोरोना के जो
संक्रमित लोग हैं उनकी पूरी संख्या 72,40,000 से कुछ ज्यादा है। और महाराष्ट्र जिसके वो राज्यपाल हैं वहां वो संख्या 15,44,000 से ऊपर है। मौतें अपने देश में कुल मिलाकर 1,10,584 हो चुकी हैं और महाराष्ट्र में जो मौतों की संख्या है दोस्तों वो 40,701 है, यानी अपने देश में सर्वाधिक जो मौतें हुई हैं वो महाराष्ट्र में हुई हैं। अगर एक प्रदेश को लिया जाए सबसे अधिक संक्रमित जो लोग हैं वो महाराष्ट्र में हैं, और उसमें भी मुंबई जो राजधानी है वहां पर सबसे अधिक संख्या है अगर वहां के शहरों को देखा जाए, यानी महाराष्ट्र के। ऐसे प्रदेश में उद्धव ठाकरे ने अगर ये तय किया है कि उपासना स्थलों को, खासकर जो बहुत यहां भीड़ होती है, उनको बंद रखना फिलहाल जरूरी है, इसको सेकुलर कम्युनल के दायरे में देखना एक राज्यपाल का, जिस पर संविधान के संरक्षण और अपने समाज, अपने राज्य के लोगों की रक्षा की जवाबदेही है, आश्चर्यजनक है कि वो किस चश्मे से सारी चीजों को देख रहे हैं। क्या वो इस तरह के इश्यूज को उठाकर जो बड़े इश्यूज हैं उनसे लोगों का ध्यान हटाना चाहते हैं? क्या वो भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं? ये बड़े सवाल आज उठ रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बताएं कि ठाकरे साहब ने जो जवाब दिया, बहुत संक्षेप में केवल दो लाइनें पढ़कर मैं सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे किसी से भी हिंदुत्व पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और न उनसे सीखना है। दूसरा जो उन्होंने वाक्य कहा वो बड़ा दिलचस्प है कि जो लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के साथ हमारे राज्य और उसकी राजधानी की तुलना करने वालों का गर्मजोशी से स्वागत करते हैं वो मेरे हिंदुत्व की परिभाषा में फिट नहीं बैठते। उनका इशारा कंगना रनावत के बारे में है, जब वो राज्यपाल के यहाँ गई थी शिष्टाचार मुलाकात में तो उनका बहुत ही आवभगत की गई वहां पर, तो उस पर वो कह रहे हैं क्योंकि कंगना ने पीओके से तुलना कर दी थी मुंबई के। अब ये जो पूरा विवाद आया है इसमें शरद पवार ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, और शरद पवार ने जो कि आप जानते हैं कि एनसीपी के बड़े नेता हैं और इस सरकार की एक कंस्टिट्यूएंट है उनकी पार्टी, उन्होंने जो खत लिखा है प्रधानमंत्री को उसमें उन्होंने कहा कि राज्यपाल का ये पत्र किसी पार्टी के नेता का पत्र लगता है, राज्यपाल जैसे पद पर बैठे व्यक्ति का ऐसा नजरिया खेदजनक है। सिद्धिविनायक मंदिर, शिरडी और विट्ठल मंदिर जैसे जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना बिल्कुल असंभव है प्रधानमंत्री जी, ये बात उन्होंने कही है। और उन्होंने जाहिर है उद्धव ठाकरे ने भी कई बार कहा है कि जैसे ही स्थितियां बनेंगी उपासना स्थल खोले जाएंगे, लेकिन हम उसका जायजा ले रहे हैं और जो भी मशीनरी हमारी है, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पर हम इन चीजों को तय करेंगे। लेकिन राज्यपाल की ये जो उतावलापन है उनका वो मतलब अद्भुत है, ये पहली बार ऐसा किसी राज्यपाल के बारे में सुना गया है जो इस तरह की बात कर रहा, और प्रधानमंत्री जी अभी तक खामोश है। प्रधानमंत्री जी तथागत राय के मामले में भी खामोश रहे एक जमाने में, जब वो त्रिपुरा के राज्यपाल फिर मेघालय के राज्यपाल थे, वो आरिफ मोहम्मद खान ने जब उठपटांग कुछ बातें की थी सीए को लेकर उस समय भी वो खामोश रहे, किरण बेदी को लेकर भी खामोश रहे, और भी बहुत सारे राज्यपाल हैं दोस्तों। अभी अभी बंगाल के जो राज्यपाल हैं धनखड़ साहब, वो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। इसके अलावा एक बड़ी बात है कि हमने देखा है कि कई बार जो बड़े लोग होते थे वो अपने इर्द गिर्द रहने वालों लोगों की जो खुराफातें होती थी उन पर भी खामोश रह जाते थे ताकि जनता को, प्रजा को, आवाम को उनका मन न बढ़े, मनोबल न बढ़े। ये पुराने राजकाज में होता था राजाओं महाराजाओं के दरबार में। क्या वही स्थिति अपने देश में है कि अगर कोई राज्यपाल गलत बात बोलता है तो भी भारत के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कोई सीख नहीं देते, कोई सर्कुलर नहीं भेजते, कोई नोटिस नहीं भेजते? ये क्या बात है? शरद पवार की इस चिट्ठी के बाद मैं नहीं जानता कि क्या होगा, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी साहब को जरूर मैं ये बताना चाहूंगा कि भारत के संविधान को उन्हें फिर एक बार देखना चाहिए, जिस संविधान के अनुच्छेद 153 से लेकर 163 तक में राज्यपाल के कर्तव्य और जिम्मेदारियों का पूरा विवरण है। उनको ये भी देखना चाहिए कि भारत के संविधान का जो 51H है, यानी 51H, वो कैसे साइंटिफिक टेम्पर को एक जरूरी उपादान मानती है, एक जरूरी प्रावधान मानती है, एक आर्टिकल हमारे देश की, हमारे संविधान की। इन चीजों पर
मुझे लगता है कि उनको संविधान के ऊपर नहीं संविधान के तहत मानना चाहिए, संविधान के संरक्षण की बात करनी चाहिए। वो काली टोपी लगाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जो भी वेशभूषा धारण करें वो बिल्कुल सही, वो जो भी भाषा बोले वो ठीक है, लेकिन उनका कोई भी आचार और कोई भी विचार और कोई भी शिष्टाचार खासकर राज्य के मामले में संविधान से इतर नहीं हो सकता। इसलिए क्या आप सेकुलर हो गए हैं, ये जो बात है मुख्यमंत्री से पूछने की, ये अशोभनीय है, ये संविधान विरोधी है, ये भारत की लोकतांत्रिक जो प्रणाली है, जो हमारी विरासत है, उसके विरुद्ध है। और मुझे लगता है कि भारत के राष्ट्रपति को इस मामले में गंभीरता से हस्तक्षेप करना चाहिए। और जिस तरह से हाल के वर्षों में नियुक्त राज्यपालों ने अनेक राज्यों में, हम तथागत राय को नहीं भूले होंगे, जो जब तक वो राज्यपाल थे न जाने कब क्या किसके बारे में क्या क्या बोलते रहते थे, ठीक उसी तरह से अगर शुरुआत भगत सिंह कोश्यारी साहब ने एक कर दी है तो अफसोसनाक है। मुझे लगता है कि इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप होनी चाहिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।